नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मणिपुर की, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीताराम येचुरी, जो CPIM के जनरल सेक्रेटरी हैं और पूर्व राज्यसभा के MP हैं। वो हाल ही में मणिपुर के दौरे से वापस आए हैं और उन्होंने वहाँ जो देखा वो हमें बताएंगे। येचुरी जी, सबसे पहले ये बताइए कि कई डेलीगेशन जा चुके हैं, कई लोग जा चुके हैं, मणिपुर का दौरा कर चुके हैं, तो CPIM ने क्यों सोचा कि फिर से जाना ज़रूरी है? इस वजह से क्योंकि जो डेलीगेशन जो पहले गए थे उससे समय तो बीतता जा रहा है जी। जितने जो पहला डेलीगेशन जो गया जी, राहुल गांधी सबसे पहले गए जी, उन्होंने जो बात बताई वही बात अब 2 महीने बाद में उसी तरीके की है परिस्थिति। ये क्यों है? जब समय बीता जा रहा है कुछ तो परिवर्तन आनी चाहिए ना जी। और कोई परिवर्तन नहीं आ रही है, कोई सुधार नहीं हो रहा है जी। तो क्या है इसके पीछे वजह जी? और ये जानना जरूरी है देश के लिए कि अपनी देश की एकता और अखंडता को इतना बड़ा चुनौती और खतरा जो पैदा किया गया है उसका हल क्या है और इसका मकसद क्या है। आप कौन से इलाके में जा पाए? मैं जा पाए इसलिए पूछ रही हूँ कि जब राहुल गांधी गए थे कांग्रेस लीडर, तब भी कुछ चैलेंजेस थे, क्या आपको जा सकते थे आप जहाँ भी आप चाहते हैं? नहीं, जहाँ भी आप चाहते हैं जा नहीं सकते। वहाँ बंटवारा ऐसा है मणिपुर में कि आप शायद लगता ऐसा है कि 2 देशों के बीच में हैं आप, 2 देश जिसका एक बाकायदा बॉर्डर है और बाकायदा उसके अंदर एक बफर जोन है जी, और आपको बॉर्डर क्रॉस करना है तो आप कुकी के इलाके में कोई भी आपके मैते नहीं जा सकता, मैते के इलाके में कोई कुकी नहीं आ सकता। लेकिन नहीं आ सकता कैसे? मतलब कोई चेक करता है? कौन पूछता है? बिल्कुल चेक करते हैं, वही चेक करते हैं जो वह मैते और कुकी के लोग जो है वो अपने आप बैरिकेड बना चुके हैं, अपने आप उनकी चेकिंग होती है जी। जो किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है उसका। यानी ये ऐसे लग रहा है कि 2 मुल्क चल रहे हैं वहाँ पे और हमारे साथ ही हम लैंड किए हैं इम्फाल के एयरपोर्ट में जी। मैती इलाका है जी। मैती इलाके में से उस दिन पहले दिन हम जो है जा रहे थे, पहले गए थे मरजान में जो मैती का एक रिलीफ कैंप था, वहाँ से चूरा चंदपुर जाना है जी। जो कुकी का जो मेन हेडक्वार्टर्स है जी, तो वहाँ के अंदर आपको बैरिकेड्स क्रॉस करनी पड़ती है और बैरिकेड जब क्रॉस करना पड़ता है कोई कुकी के रिप्रेजेंटेटिव्स आकर आपको ले जाए अंदर और चेक किया जाता है कि आपके साथ कोई मैते है क्या। तो हमारे जो पार्टी के खुद के सेक्रेटरी है वो मैते हैं, तो उनके उस बॉर्डर पर उनको वहाँ पर उतार के, सब मैते को उतार के जो है वह हमें आगे जाना पड़ा। और गाड़ी भी कौन ड्राइव कर सकता है और पुलिस वाले भी कौन हो सकते हैं आपके सिक्योरिटी? वो लोग हैं जो ना मैते हैं ना कुकी हैं, और सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड लोग ये हैं जिन्हें वो पंगाल बुलाते हैं जी। और वो है मुसलमान जी। जो कम्युनिटी के जो वो भी ट्राइबल है लेकिन मुस्लिम ट्राइबल्स है जी। तो वो अलाउड है पास करने में। तो हमारे जो मेरी गाड़ी के ड्राइवर वही थे, मेरे साथ जो पुलिस ऑफिसर जो पोस्टेड था वो वही थे पंगाल के। तो ये है हालत, मतलब ये व्यवस्था अब 3.5 महीने से ज़्यादा, तकरीबन 4 महीने होने को आ रहे हैं जी। और अभी भी हिंसा की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों की जान जा रही है, और हमने ये भी सुना है, रिपोर्टिंग हुई है मीडिया में कि रात को बंदूकों की आवाज़ आती है और एक खतरे की भावना से लोग रात को सोने जाते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, और ये डर अभी तक उतरा नहीं। हालांकि अब ये हालत है कि मैते के इलाके में कोई कुकी नहीं है, कुकी के इलाके में कोई मैते नहीं है जी। तो फिर कौन किससे लड़ रहा है? अब वो परिस्थिति है, लेकिन वो घुसपैठ हो जाती आ जाते हैं। और जब हम थे वहाँ पे 2 रात हमने बिताए, 3 दिन थे वहाँ जी। तो दूसरे दिन सुबह वहाँ पे अटैक हुआ और 3 लोगों की मतलब जाने गई जी। और ये अब इसका रिटेलिएशन क्या होगा? अब ये अब खतरा था, जब तक हम कल रात को वहाँ से वापस जब निकला है तब तक कोई रिटेलिएशन की बात सुनी नहीं थी, लेकिन अब पता नहीं कब क्या होगा वहाँ पे, क्योंकि ये अनिश्चितता ये सबसे खतरनाक परिस्थिति पैदा कर चुकी है।
आपने अक्सर देखा होगा कि हिंसा हो जाती है, दो समुदायों में मुठभेड़ हो जाती है और इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन मणिपुर में ऐसा क्या है कि दो समुदाय चार महीने बाद भी एक दूसरे की एक तरह से हम कहीं शक्ल नहीं देखना चाहते? क्या अलग है? एक किस्म का जहर जो फैलाया गया, जो जहर तो फैलाया जा रहा पूरे देश में, पूरे मुल्क में, और जो अब हमारे देश के अंदर जो शासक पार्टी है भाजपा जी, जिसका एक उद्देश्य है, एक संकल्प है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उसे वो एक फांसीवादी, एक हिंसावादी, एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में बदले। इस मकसद से जब आप आगे बढ़ रहे हो, और हर क्षेत्र में आपको नजर आता ही, अब आपको मुख्य उसका हथियार है ध्रुवीकरण जी, और वो ध्रुवीकरण के लिए आपको ये ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमानों के बीच में अगर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो समुदाय है ही नहीं, तो आपको खोजना पड़ेगा और किसके बीच में इस तरीके की ध्रुवीकरण हो पाएगी। और आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार दोनों जगह मणिपुर और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की ही सरकार है? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा की ही सरकार है, और ये सरकार जिसे वो बड़े गर्व से कहते हैं डबल इंजन सरकार जी, और ये डबल इंजन मतलब डबल डिजास्टर की सरकार के रूप में मणिपुर में प्रकट हो रहा है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, देखिए चुनाव से पहले या चुनाव होने के बाद, जब बीरेंद्र सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके थे, उसके बाद एक कुकी मिलिटेंट आउटफिट के नेता ने और उन लोगों ने एफिडेविट भी सबमिट किया कोर्ट में, ये कहते हुए कि चुनाव से पहले वो आपके या आसाम के मुख्यमंत्री जी, और बीजेपी के जो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज है जी, इन दोनों के साथ बातचीत में समझौते पर पहुंचे कि चुनाव में बीजेपी की समर्थन करेंगे। बिल्कुल, और उस समर्थन के चलते हुए आज जो है ये सरकार है बीजेपी की और वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री है। 10 जो कुकी के वहाँ पे विधायक है जी, उनमें से 7 जो है बीजेपी के विधायक है जी, 2 मंत्री है कुकी के जी, अभी 17 बुला रहे थे असेंबली का, अब पता नहीं वो बैठा कि नहीं, अभी जो अभी खबर जो आएगी, लेकिन उस असेंबली के सत्र में ये 10 MLA नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वो असेंबली है मेथी इलाके में इम्फाल में। अच्छा, अब ये हालत चुने हुए प्रतिनिधि, तो इस सब में इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस, इतना बल है, इतना प्रशासन है, वो क्या कर रहा था, आपने क्या पाया? देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद जितनी भी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का इफेक्टिविटी तभी होगा जी, जब उनको एक सीधा सीधा आदेश दे राजनीतिक नेतृत्व कि उनको क्या करना है। बिना आदेश के कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद से कोई मतलब नहीं है। हमने यहाँ पे दिल्ली में जब हम छात्र थे जी, 1984 में जी, जब सिखों के खिलाफ जो ये दौरा चला था, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, उसके बाद की प्रक्रिया में जी, उन तीनों दिनों में आर्मी आई थी, उतारी गई दिल्ली के सड़कों पे जी, टैंकों को हम देख रहे थे आर्मी के जी, लेकिन उन्हीं के सामने कत्लेआम हो रहा था जी। जब उनसे जाकर पूछते थे क्या भाई ये क्यों इसको सिर्फ ऐसे देख रहे हो आप, कहते सर ऑर्डर तो नहीं है हमारे पास। अब ये ऑर्डर कौन देगा, सेंट्रल फोर्सेस है तो केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार अगर डिप्यूट किए हैं वो फोर्सेस को राज्य सरकार के तहत, तो वो ऑर्डर आएंगे राज्य सरकार से। अब दोनों बीजेपी की सरकारें हैं, तो किस चीज का इंतजार है, लोगों की क्या राय थी? आप कुकी से भी मिले, आप मेते से भी मिले, उनका क्या सोच था? यही तो कह रहे, इतना टाइम गुजरने की जो हालत है, जो हमको समझ में आया जब हम वहाँ पे गए, ये टाइम डिलिबरेटली बिताया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में ये एक किस्म की ये नफरत का जहर जो है और मजबूत हो जाए। अब कुकी और मेथी के बीच में कोई समझौते का रास्ता ना बचे, ताकि ये ध्रुवीकरण का फायदा, समझौता हो जाए कुकी के मिलिटेंट आउटफिट से जी, समर्थन करें आप मेथियों को जो आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं वहाँ पे। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वो समर्थन कर रहे हैं मेथी का? क्योंकि वो खुद कहे कि हमारे लोकल लोगों के ऊपर ये विदेश से आए हुए इलीगल माइग्रेशन कुकियों की,
कुकी का कहना, सब कुकी समुदाय को, वो कहते हैं ये सब इलीगल माइग्रेंट्स है, बर्मा से आए हुए हैं, म्यांमार से। अब कोई आया इलीगल तो उसे पकड़ो ना आप, कानून आपके हाथ में, व्यवस्था आपके हाथ में है। और केंद्र सरकार को आज नहीं, कई अरसों से हम कहते आ रहे हैं, कांग्रेस की हो या वाजपेयी साहब की सरकार हो, ये हर बार आप कहते हो इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन। तो आप बॉर्डर सील क्यों नहीं कर रहे हो, कौन रोक रहा है आपको? ये तो सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब त्रिपुरा में जब हमारी सरकार थी, जब बॉर्डर सील नहीं किया जी। तो हमारी राज्य सरकार, जबकि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आज ज्यादातर सीलिंग जो हुई है त्रिपुरा बांग्लादेश की बॉर्डर पे, वो है राज्य सरकार का किया हुआ, ना कि केंद्र का। अब 10 साल हो रहे हैं मोदी साहब को, ये सीलिंग क्यों नहीं हुआ भाई? एक्चुअली इसका कोई आंकलन भी नहीं है ना कि कितना माइग्रेशन है अक्रॉस द बॉर्डर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आंकलन भी कोई नहीं है। और मैं, मेरे हिसाब से आंकलन चाहते भी नहीं है। अगर आंकलन चाहते तो सच्चाई सामने आ जाएगी ना जी। और सच्चाई सामने आ गई तो ये वातावरण उनके पास होगा नहीं, जिससे ये ध्रुवीकरण और ये नफरत पैदा करे। क्योंकि मेथी समाज में क्या ये एक धारणा सी बन गई है कि जो कुकी हैं वो फॉरेनर हैं, विदेशी हैं? बिल्कुल, ये धारणा बनाया जा रहा है और मजबूती से, बनी नहीं है ना उनका मानना, ये बनाया जाता है। हर बार आपको कहते हैं लोग याद कर रहे हैं कितने अत्याचार हुए हैं 1000 साल पहले जी। मुसलमान जब आए थे देश के ऊपर, ये स्लेवरी का जो हमारी मानसिकता है उसको हटाना है जी। जो लोगों को याद रहने की बात नहीं है, लोगों को याद दिलाया जाता है एक राजनीतिक मकसद से, और वो याद दिलाया जा रहा है। आज वहाँ पे कुकियों के बीच में नफरत मेथे के खिलाफ, मेथे के बीच में नफरत कुकी के खिलाफ। अब सदियों से वो साथ साथ रह चुके हैं, साथ साथ हैं। अब उनके परिवारों के बीच में कई सारे घनिष्ठ संबंध भी बन चुके हैं जी, दोनों के बीच में। बिल्कुल। अब ये नौबत आना कि कोई कुकी मुलाजिम मेथे इलाके में काम नहीं कर सकता, मेथे मुलाजिम कोई कुकी इलाके में काम नहीं कर सकता, तो प्रशासन कैसे चलेगी? आप क्या प्रशासन से मिल पाए, क्या उन्होंने आपको वक्त दिया, अपनी राय रखी? हम गवर्नर महोदय से मिले और उनके द्वारा प्रशासन से भी जो संभव हो सके वो सब मतलब जानकारी हमें मिली। एक पुलिस असम राइफल्स का एक कंटिजेंट, एक पायलट हमें दिया गया था हमारे साथ। अच्छा। ये भी शायद जानकारी रखने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं जी, मतलब, जी, जी। उसके वो भी, और वो प्रोटेक्शन जो था उनके साथ भी, जब जो भी बचे थे, खैर जाहिर है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं या बता पाएंगे, लेकिन गवर्नर साहब के चर्चाओं में बहुत कुछ पता भी चला और उनको भी हमने जानकारी दी कि ये जो 4 जो रिलीफ कैंप्स हमने देखे जी, आई मीन इंसानियत की बात छोड़िए, मतलब मामूली सी, मतलब बेसिक फैसिलिटीज कोई नहीं, ना सैनिटेशन, ना उनका फूड रेशन सही ढंग से मिलना, बच्चे पैदा हो रहे हैं इस रिलीफ कैंप में। और एक तरफ से तो ये अच्छा लगता है कि ये है लाइफ, मतलब चलता रहेगा, लेकिन उन बच्चों के लिए मतलब बेसिक इनोकुलेशंस जो हेल्थ, मतलब ये प्रोटेक्शन जो होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, उनको बेसिक न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रही है, बच्चे कैसे, मतलब उनकी परवरिश कैसे होगी जी, बड़ों की कैसे हो रही, ये हालत सब हमने बताया गवर्नर। रिस्पॉन्स क्या रहा जी? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो भी मैं हाँ उनके हाथ में है, उनकी सरकार को कहेंगे कि इसको सुधारने के लिए, और उनसे ये भी कहा गया कि अब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इन लोगों के लिए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वहाँ पे, माँ और बच्चे के लिए जी, उन सब के लिए एक अलग से कैंप बनाए उनकी देखभाल करने के लिए, और ये दोनों इलाकों में मतलब अलग अलग से। अब ये हम जाते हैं, हमने भी कहा कि ये आगे कहा कि इतनी जल्दी हो उतना बेहतर, लेकिन फिर भी बात अभी सिर्फ कैंप तक ही पहुंची है, लोगों की वापसी, लोगों का मनमुटाव खत्म करना, ये चर्चा क्या मणिपुर में हो रही थी सरकार की तरफ से? कुछ नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, कोई पहलकदमी नहीं। और यही हमारी बात ये है कि सरकार क्यों अगर चुप है, प्रधानमंत्री अगर 3 महीने से ज़्यादा से चुप है, जब बोले हैं तो बोले हैं ऐसे परिस्थिति में जब वो वीडियो, वो खतरनाक भयानक वीडियो सामने आई जी,
और उसके बाद अपने राष्ट्र लाल किले से संबोधित करते हुए 90 सेकंड के लिए बोले कि वहाँ पे शांति वापस आ रही है। कैसी शांति वहाँ पे? वहाँ पे जाओ, दोनों तरफ के लोग दोनों कहते हैं हम वापस जाएं तो कहाँ जाएं, हमारे घर तो जला दिए, सब बर्बाद हो गया। लेकिन इकोनॉमिकली सोशली क्या दो समुदाय ये बट के रह सकते हैं, इस तरह से अलग होके उनका सर्वाइवल पॉसिबल है, क्या वो प्रोग्रेस कर सकते हैं? यही खतरनाक बात है, आज की हालत में वो संभव नहीं होगा। जब तक राजनीतिक पहल कदम नहीं होगी, उनसे बातचीत की प्रोसेस शुरू नहीं होगी। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब इस तरीके की बात आती है, जब परिस्थिति बिगड़ रही है जी, जैसे कई बार हम लोगों ने देखा कश्मीर के अंदर जो हो रही थी जी, और उस समय किस तरीके से सब मिलकर सामूहिक तरीके से किस तरीके से उसको हैंडल करते थे। हमारे शिकायतें होती थी हर समय सरकार के खिलाफ कि आप पहलकदमी नहीं कर रहे, तो पार्लियामेंट के अंदर अगर पार्लियामेंट चलने देते ये लोग, पार्लियामेंट के अंदर दबाव डाल के सरकार के ऊपर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को भिजवाते थे कश्मीर। हम खुद गए व्यक्तिगत तौर पर, जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे जी, जब राजनाथ सिंह जी थे इस सरकार के तहत पहले भी, हम खुद गए कश्मीर में, सबसे मिले, सबको ये आश्वासन दिया और उसके आधार पर वहाँ पर हालात सुधरने लगी। और उसके चलते हुए आगे को किस तरीके से हमें चलना है, क्या है जो जो उनके डिमांड जिसको हमें मानना है, ये करते करते वो हालत को सुधारा। इन तीनों बार जो मैं एग्जांपल दिए, तीनों बार वो हालत सुधरे। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन मणिपुर में किस तरह का हो सकता है, क्या सेपरेट? अगर पहले मिले तो सही, पहले केंद्र सरकार एक ऑल पार्टी मीटिंग तो बुलाए केंद्र में, या पार्लियामेंट के फ्लोर लीडर्स को ही बुला लें, गृह मंत्री और चर्चा करें उनसे, उनसे सुझाव मांगे और उनको बताए क्या है वहाँ पे वास्तविकता उनके हिसाब से। और राष्ट्र के अंदर वो राष्ट्र सरकारें बताए, आपके मतलब राज्य सरकारें बताए कि वहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए आप, ताकि सबका सुझाव लिया जाए और सब कुछ समेटे आप कि एक मकसद से कि यहाँ पर शांति बहाल करना, यहाँ पे नॉर्मल से वापस लाना। वो पहलकदमी कौन लेगा, वो तो सरकार ही ले सकती ना, उसके अलावा जो भी लेगा तो उसका कोई मतलब स्टेटस नहीं है कोई, तो वो सरकार क्यों नहीं कर रही है? अब इसके जवाब भी अब मोदी साहब के मुंह से नहीं आ रही है, ना आ रही है वहाँ पे बीरेंद्र सिंह साहब से। इसलिए हमारा ये कहना था कि बीरेंद्र सिंह साहब को मुख्यमंत्री पद से हटाओ, 4 महीने होने के आ रहे हैं, इसको काबू में आते हुए नजर नहीं आ रहा परिस्थिति। अफसोस की बात है, सब चाहते हैं वहाँ पे शांति, क्योंकि बहुत बड़े चुनौतियाँ हैं सामने। ये वापस भी जाएंगे रिलीफ कैंपों से जी, 60,000 से ज़्यादा जी वापस भी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, घर जला दिए गए हैं, खुद संपत्ति नहीं है वहाँ पे, किस तरीके से उनका पुनर्वास होगा, उसकी क्या जिम्मेदारी लेगी सरकार, किस तरीके से करे, यार इसके बारे में चर्चा है तो शुरू करो। तो जब तक ये चर्चा नहीं शुरू होगी तब तक ये हालात ऐसे ही लगेंगे और रहेंगे, और चर्चा की कोई आसार आपको दिख नहीं रहे? बिल्कुल, और चर्चा भी तभी शुरू होगी अगर राजनीतिक दृष्टिकोण आप साफ रखें आप जी, अगर वो साफ रखें आप, तो जो वहाँ पर 60,000 से ज़्यादा जो सेंट्रल फोर्सेस हैं स्टेट में, कम नहीं है बिल्कुल, अगर उनको आदेश मिलता है तो ये पूरा हिंसा की व्यवस्था जो है 2 दिन में वो बंद कर सकते हैं, अगर सरकार चाहे चाहे तो, और उनको सही ढंग से इंस्ट्रक्शन मिले क्या करना है। तो ये चर्चा की मांग आप भी रखेंगे सरकार के सामने? हमने तो पब्लिकली रखा जी, गवर्नर महोदय को भी बोला, अब इससे ज्यादा हम क्या कह पाएंगे। हमने वहाँ पे तो सभी लोगों से मिलने की कोशिश की, जितने भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थे, यूनाइटेड नागा काउंसिल के साथ बड़ी लंबी चर्चा हुई हमारी जी, क्योंकि अब खतरा ये है जी कि इसके अंदर काबू नहीं आता है ये परिस्थिति, अब ये फैलेगी बाकी भी प्रांतों में नॉर्थ ईस्ट में, और मणिपुर के नागा समुदाय भी थोड़ा उथल पुथल, बहुत ही पहले जो है वो एकदम न्यूट्रल रहे थे जी,
लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनके इलाकों में ये हिंसा हो रही है जी, और ये और उन्होंने बाकायदा नाम दिया हुआ है कौन से है ये मिलिटेंट संगठन दोनों मैती और कुकी की तरफ से जी, और उन्होंने कहा कि इन पे एक्शन लो वरना आप जो है जबरदस्ती हमें भी घसीट रहे हो उसके अंदर। बिल्कुल, अगर एक बार नागाज उतरेंगे इसके अंदर तब तो भाई भाई साहब समझ को अभी क्या होगा उसका। मिजोरम ऑलरेडी इन्वॉल्व है, अब मिजोरम मिजो एकॉर्ड है आपका, नागा एकॉर्ड है आपका, अब आपके ये सब चीज़ें जो हो रहे हैं मतलब नॉर्थ ईस्ट में, ये अगर फैलना तो शुरू तो हुआ है लेकिन अगर और तेज़ी के साथ अगर फैलेगी तो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति पैदा होगी। और इसके अंदर जितनी भी ध्रुवीकरण से जो आप फ़ायदा उठाना चाहते हो चुनाव में, समझौता करो एक तरफ से कुकियों से और उसके बाद जो है अब पक्ष लो आप मेथी के साथ कुकी के खिलाफ, तो अब इस तरीके की राजनीति से देश की एकता और लोगों के बीच में उनकी जो एकता और अखंडता तो वो तो मजबूत नहीं हो सकती। तो ऑन द होल आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड वापस आए हैं ऐसा लग रहा है आप? डिसअपॉइंटेड से ज़्यादा काफ़ी कंसर्न वापस आए, काफ़ी मतलब चिंता की बात है उससे भी ज़्यादा, मतलब हमें ये एक खतरनाक परिस्थिति, आई मीन जिस तरीके से हद से ये जो इंसानियत के लेवल से जो गिरावट जो हुई जो हो रही है वहाँ पे जो बात है जिसे आप अंग्रेजी में सिर्फ एक ही शब्द है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी जो हो रही है, मतलब इसको कई जनरेशन लगेंगे आपको इसको सुधारने में। अब इतने जनरेशन से सुधार कर आए आप, बिल्कुल, और वही है ना इनकी पूरी की पूरी राजनीति आज की शासक पार्टी क्या भूत के अंधेरे में ले जाना चाहते हैं हमें, जबकि भविष्य के उजाले में जाए। जाबाद मेथी बोलेंगे कि 1850 में बर्मा के राजा ने आपके मणिपुर के राजा के साथ समझौते के आधार पर कुकियों को यहाँ पे भेजा जी। अब कौन से अब किससे किस भाई किस इतिहास की बात हाँ, किस इतिहास की बात कर रहे हो आप? बिल्कुल, अब ये सब अब चीन के अंदर जो समाजवादी क्रांति हो रही थी मतलब पुरानी चीन जी, सामंतवादी चीन चिंग डायनेस्टी किंग डायनेस्टी मतलब उस समय वहाँ के और उसके बीच में जो संबंध है मतलब उनके वहाँ के लोग जो यहाँ पे जो आए जी, या यहाँ के लोग अगर वहाँ पे जो गए, अब उसका लेना हिसाब किताब क्या तुम आज करोगे? बहकाने वाली बातें लगती हैं फ्रैंकली। नहीं, आज कैसे करोगे आप? वो तो इतिहास बीत चुका है जी, वो लोग बस चुके हैं, वो लोग मर चुके हैं, वो लोग नई पीढ़ी मतलब आ चुकी है जी। तो आज की परिस्थितियों को हल करो ना आप, इस तरीके से इतिहास को पन्ने दोहरा के, अब वो भी सही है या गलत बता रहे हो किसको पता जी। अब ये इन बातों को दोहराते दोहराते देश को भूत के अंधेरे में ले जा रहे हो आप। अब ये हम समझते हैं कि ना सिर्फ मणिपुर की हालत नहीं, पूरे देश को अगर इस तरीके से ले जाना चाहते हैं तो बड़ी खतरनाक बात है। अब इसको बंद करवाना होगा और वो देश के लोगों के ऊपर निर्भर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ क्लिक की इस चर्चा को सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पत्रकारिता का साथ दें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।